बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद ब्रदर शुफा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुकिंग विद ब्रदर शुफा में आज हम बना रहे हैं देगी जर्दा। कुछ लोग इसे शादी वाला जर्दा भी कहते हैं। ये जर्दा बनाना कोई मुश्किल नहीं, बस आपका अंदाज़ा अच्छा होना चाहिए। तो चले मैं आज आपकी आसानी कर देती हूँ। जर्दे के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा। जर्दे के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 किलो चीनी, छोटी इलायची 7 से 8 अदद, साबुत नारियल आधी प्याली, खोया 1 प्याली, घी 1 कप या 1 पाव, बादाम 20 से 25, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से ले लें। पिस्ता भी आप अपने हिसाब से ले लें जितनी आपको ज़रूरत हो। छोटी मिठाइयाँ जो होती हैं वो 1 प्याली मैंने लिए। इसके अलावा आप पेठे की मिठाई भी ले सकते हैं। सेला चावल लिया मैंने 1 किलो, इसे मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल कर लिया था। अब एक बर्तन में घी डाल के गरम कर लेंगे, साथ इसमें छोटी इलायची तोड़ कर डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें आधे चावल हम डाल देंगे। आधे चावलों के साथ ही हम इसमें चीनी भी, आधे चीनी डाल देंगे। चीनी और चावल को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम बाकी के चावल और चीनी भी डाल के उन सबको भी मिक्स करके लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चावलों को हमने फुल बॉईल किया था और विदाउट नमक। इसमें इसको बॉईल करते वक्त, जर्दे के चावल को बॉईल करते वक्त नमक नहीं ऐड करेंगे हम इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। एक से दो मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। देखिए चीनी ने पानी छोड़ दिया इसमें, ये पानी हो गया इसमें। अब इसका पानी हम चीनी का पानी सुखा लेंगे, तेज फुल आंच करके इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ऐसी तेज आंच में छोड़ देंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कलर डालेंगे, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया था, जगह जगह खुश्क कलर यूज करेंगे। ऑरेंज और ग्रीन कलर मैंने इसमें डाला है, रेड कलर भी डालना था मुझे लेकिन मेरा रेड कलर इस वक्त मिल नहीं रहा था, तो आप इसमें रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे 5 से 6 मिनट तक दम देंगे ताकि कलर इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। चावलों में रंग आ चुका है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, इसको जब तक मिक्स नहीं करेंगे जब तक ये पूरा ठंडा नहीं हो जाता है। चावल हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए चावल को हम डेकोरेट कर देते खोया, मिठाई और बादाम पिस्ते से नारियल, बाकी के खोया और चावल नारियल वगैरह को मैंने जर्दे के पतीली में डाल के उसे मिक्स कर दिया था उसी में। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये ज़रदा आपका कैसा बना मेरी रेसिपी से।